ईरान और पाकिस्तान के बीच चार दिन से जारी तनाव खत्म होगा। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक दोनों देश एयर स्ट्राइक के बाद शुरू हुए तनाव को घटाने पर सहमत हुए हैं। दरअसल 16 जनवरी की रात पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ईरान ने मिसाइल और ड्रोन से हमला किया था। अगले ही दिन जवाब में पाकिस्तान ने ईरान के 48 किलोमीटर के अंदर एयर स्ट्राइक कर दी थी। ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान पर हमला करने के बाद कहा कि पाकिस्तान में आतंकी संगठन जैश अल अलद के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की। उन्होंने कहा यह हमला सिर्फ आतंकी संगठन पर किया गया है। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा किसी भी देश को इस तरह के जोखिम वाला रास्ता नहीं उठाना चाहिए और ना ही ये सही है। ईरान के हमले पर पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई का पूरा हक है। ईरान एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने 24 घंटे में ईरान पर हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने ईरान में चलाए ऑपरेशन को मार्ग बार सरमाचर नाम दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने बताया कि ऑपरेशन के तहत ईरान में बलूच लिबरेशन आर्मी के 60 ठिकानों पर हवाई हमले किए। इस दौरान कई आतंकियों को मार गिराया गया। एयर स्ट्राइक ईरान की सीमा के 48 किलोमीटर के अंदर घुसकर की गई थी। पाकिस्तान की फौज ने बताया कि हमले में किए गए किलर ड्रोन्स, रॉकेट, गोला बारूद और कई दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। आपको बता दें ईरान एक शिया बहुल देश है, जबकि पाकिस्तान में करीब 95% लोग सुन्नी हैं। पाकिस्तान के सुन्नी संगठन ईरान का विरोध करते हैं। इसके अलावा बलूचिस्तान का जैश अल अलद आतंकी संगठन ईरान की सीमा में घुसकर कई बार सेना पर हमला करता रहा है। ईरान की सेना को रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कहा जाता है। ईरान सरकार कई बार पाकिस्तान को आतंकी संगठन पर लगाम लगाने की वार्निंग दे चुका है। 2015 में पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। तब से ईरान के 8 सैनिक पाकिस्तान से ईरानी क्षेत्र में घुसकर सुन्नी आतंकवादियों के साथ संघर्ष में मारे गए थे। यह आतंकी जैश अल अहद के थे।